हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी माई सेल्फ निहाल सूर्यवंशी योर कॉमर्स एजुकेटर सो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ फर्स्ट यूनिट ऑफ कॉमर्स दैट इज़ बिजनेस इन्वायमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस पे ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए बिकॉज पॉसिबिलिटी है ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं सो डोंट मिस द वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन आपका बहुत ही अच्छे से रिविजन हो जाएगा इस वीडियो से सो so, बिल्कुल भी मिस मत करना ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ओके सो लेट स्टार्ट विथ टूडेज लेक्चर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वॉज पास्ड फर्स्ट इन जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है वो फर्स्टली कब पास हुआ था ए 1931, बी 1947, सी 1956 या डी 1999. तो इसका राइट right आंसर है 1956, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन आई 1956) जो है वो रेजुलेशन इंडियन पार्लियामेंट में 1956 अप्रैल में पास हुआ था ये रेजुलेशन के द्वारा जो इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी है उसका एम सोशलिस्टिक पैटर्न से बनाया गया था और इसी आई 1956 रेजुलेशन के द्वारा गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी गई थी उसके मशीनरीज में प्लानिंग इज डॉट प्रोसेस प्लानिंग ये कैसी प्रोसेस है ए गोल ओरिएंटेड बी फ्लेक्सिबल सी टाइम बाउंड या फिर डी ऑल ऑफ दीज तो प्लानिंग ये एक गोल ओरिएंटेड फ्लेक्सिबल एंड टाइम बाउंड प्रोसेस है प्लानिंग क्या होती है प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर्ड गोल प्लानिंग मतलब एक, एक प्रोसेस होता है थिंकिंग का जिसका एम होता है कुछ डिजायर्ड गोल अचीव करना इट इज़ अ फर्स्ट एंड फोमोस्ट एक्टिविटी टू अचीव डिज़ायर्ड रिजल्ट ये गोल अचीव करने का सबसे पहला एक्टिविटी होता है ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्लोबलाइजेशन में कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि उसकी प्रोसेस में कुछ रेस्ट्रिक्शन रिमूव किए जाते हैं तो वो रेस्ट्रिक्शन किस से रिमूव किए जाते हैं फॉरन ट्रेड बी इनवेस्टमेंट सी बोथ ए एंड बी दट इज फॉरन ट्रेड एंडमेंट बोथ एंड डी नन ऑफ द राइट आंसर इज सी बोथ ए एंड बी ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ये एक प्रोसेस होता है थ्रू विच वेरियस बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन रिमूव द रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरन ट्रेड एंड फॉरन इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑन द इंटरनेशनल स्केल ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जो बिजनेस में से या फिर ऑर्गेनाइजेशन में से फॉरेन ट्रेड के और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर देती है दैट्स आवर राइट आंसर वॉज बोथ ए एंड बी फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी अंडर द एम आर टी पी एक्ट द कमीशन हैज द पावर इक्विवेलेंट टू एम आर टी पी एक्ट में जो इंक्वायरी करने का पर्पज होता है उसमें कमीशन को जो पावर दी जाती है वो किसके इक्वल है ए सिविल कोर्ट बी कंज्यूमर कोर्ट सी हाई कोर्ट या डी नन ऑफ ननोतीज द राइट आंसर इज सिविल कोर्ट द कमीशन शैल फॉर द पर्पज ऑफ एनी इंक्वायरी अंडर द एक्ट हैव द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड वाइल ट्राइंग अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन मैटर्स जो कमीशन होता है उसे इंक्वायरी की पर्पज में जो पावर्स दिए जाते हैं वो एज सिविल कोर्ट के इक्वल ही दिए जाते हैं लेजिस्फेयर पॉलिसी इज एडॉप्टेड इन ये जो लेजिस्फेयर पॉलिसी है वो किस सिस्टम में अडोप्टेड की गई है ए सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम बी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम सी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम या फिर डी कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम the right answer is capitalist economic system तो capitalist economic system ये क्या होता है capitalism में ये होता है कि जो market में कुछ price decide करना हो या फिर किसी sector का authority या फिर control private sector में होता है उसे capitalism कहते हैं इनका aim होता है profit maximize करना which among these is not a restrictive trade practices इनमें से कौन सा रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है ए टाइप सेल्स बी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सी मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस या फिर डी ऑल आर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस तो इसका राइट right आंसर है मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस इन इंडिया लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन बिगेन फ्रॉम इंडिया में लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन कब आया था द राइट आंसर इज 1991. इंडिया में लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ये 24 जुलाई 1991 से शुरू हुआ था जिसे एल भी कहा जाता है दैट इज इज लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वन नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया इनमें से कौन सा फिजिकल पॉलिसी का मेन एम नहीं है ए टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी बी टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी सी मिनिमाइज द इनइक्वेलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ डी टू प्रमोट इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज द राइट आंसर इज टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी तो फिजिकल पॉलिसी का लिक्विडिटी इन इकोनॉमी इंक्रीज करना ये मेन एम नहीं होता बिकॉज ये एम मॉनिटरी पॉलिसी का होता है टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया लिक्विडिटी इंक्रीज करना ये इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है फिजिकल पॉलिसी में बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स विच आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं आते मोर ओवर फिजिकल पॉलिसी इज मेड जस्ट फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसीलिए फिजिकल पॉलिसी ये इसका एम इतना ही होता है कि बेटर यूटिलाइजेशन करना गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज का फेमा सिग्निफाइज फेमा का मतलब क्या है फॉरन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एक्ट फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फॉरन एक्सचेंज मॉनिटरिंग एक्ट या फिर फ्री एक्सपोर्ट मार्केटिंग एक्ट तो इसका राइट right आंसर है फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये इंडियन पार्लियामेंट का एक्ट है टू कंसोलीडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरन एक्सचेंज with the objective of facilitating external trade and payments and for promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. ये जो FEMA Act है ये amend किया गया था लागू किया गया था foreign exchange related objectives को facilitate करने के लिए और facilitate करने के लिए external trade and payments उसी के साथ उसका ये भी aim था कि foreign exchange market को develop करना and मेंटेन करना विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इंटरनल एनवायरमेंट का एलिमेंट नहीं है ए मार्केट कैपेबिलिटीज बी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज सी मनी एंड कैपिटल मार्केट एंड डी पर्सनल कैपेबिलिटीज द राइट आंसर इज मनी एंड कैपिटल मार्केट Money and capital market is not an element of internal environment since internal environment deals with the elements which belongs within the organization. Money and capital market is not an internal factor the organization ka, because it is an external factor relating other ones marketing capability operational and personal capabilities. These are the elements of internal environment. The business organization has no control over money and capital market स इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट मनी एंड कैपिटल मार्केट ये इंटरनल इन्वायरमेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि इस पर ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता सो वी हैव डन विद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर ऑल्सो ऑफरिंग द फुललेबस कोर्स इन दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू द फुललेबस मॉक टेस्ट फॉर पेपर वन एंड पेपर टू सिक्सटी टेस्ट वी आर प्रोवाइडिंग फॉर पेपर वन एंड टेंट फॉर पेपर टू कॉमर्स विथ वेरी रिलीवेंट फुल सिलेबस नोट्स एंड फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स अगर आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं उसके थ्रू आप ये फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप ये दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एंड देन यू कैन ज्वाइन अवर फुल कोर्स सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन हैव अ गुड डे